सर बाकी लोग के उसका लिए कॉस्ट मीन्स कितना, जी। अगर बाकी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा फिर भी? अगर मेरा पुराना स्टूडेंट है तो कोई फीस नहीं है, अगर कभी मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं नहीं हूँ, रहा है तो 2500 है, 2500। अभी कोर्स लाइव हुआ नहीं है, आज के इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद से मैं कल से लाइव करूंगा कोर्स को। ओके सर। मैं सिलेबस का, हाँ ये सिलेबस आपका SSC JEE UPPCL JEE और ये जो अभी पावर ग्रिड का फॉर्म आया है, इतने के लिए सफिशियंट है। ठीक, आप लोग अपना माइक और वीडियो म्यूट करिए, जब अभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक तो, और इसमें जैसे हम लोग पहले बहुत लिमिटेड क्वेश्चन किया करते थे, अब पिछले 3 साल से मैं अदर स्टेट्स में भी हूँ, तो हम लोग जो कंटेंट कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ये आपका बिहार, एमपी, आसाम, राजस्थान और उत्तराखंड, इतने स्टेट का जो कंटेंट इस सिलेबस में कवर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव कि अभी नंबर नंबर बहुत मार जो मेरिट है वो बहुत हाई जा चुकी है, अब केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भरोसे नहीं रह सकते। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो लिखने वाले सवाल हैं उनको भी देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के सवाल करेंगे आप। ठीक, मेन फोकस होगा हमारा जो राइटिंग स्किल है, लिखने की जो प्रक्रिया आप लोग की है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं उसका फर्क पड़ता है लेकिन SSC में पड़ता है, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। हम लोगों ने अदर स्टेट में जब काम किया तब इस पे इसका मतलब या क्या बोलते हैं इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया। ठीक, आप हिंदी में, मैं आपको जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो टोटल हिंदी जो है कंटेंट नहीं दिया जाता लिखने वाला, थोड़ा सा बहुत हम लोग इंग्लिश एटलीस्ट सिलेबस में अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद से मैं हिंदी शुरू करूंगा। मेन फोकस हमारा होगा राइटिंग स्किल पे। ठीक, प्लस उसके बाद आज के टाइम पे जो JEE का पेपर हो रहा है उसमें कुछ कुछ नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं जो पहले नहीं आते, जैसे फील्ड थ्योरी। बीटेक में एक टॉपिक हुआ करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, या कुछ कुछ में वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी नाम से है, जनरली इसको फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक, कुछ सवाल इंजीनियरिंग मैथ से भी आता है, जो आपका डिप्लोमा लेवल का नहीं, ऑलमोस्ट बीटेक लेवल के मैथ मैथ के कुछ टॉपिक हैं, ट्रांसफॉर्म और जो डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्ल, डाइवर्जेंस, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, एनालॉग डिजिटल तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इस समय कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद UPPCL का इस बार का पेपर अगर आपने देखा हो तो उसमें कंप्यूटर स्किल भी था, इसको अंग्रेजी में एक टॉपिक या सब्जेक्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये सब चीजें जो पहले जो पढ़ाई जाती थी JEE के क्लास में गोरखपुर या इलाहाबाद में, आज के टाइम पे ये सब कुछ एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक, तो अगर आपको पुराना कंसेप्ट क्लियर है तो उस कंसेप्ट के बेस पे आपको फिर ये सब कुछ भी पढ़ना होगा। पुराना कंसेप्ट क्लियर नहीं है,
एटलीस्ट नेटवर्क मशीन और फील्ड थ्योरी, उसके बाद ही ये सब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फील्ड थ्योरी का बहुत यूज है। इनके साथ साथ अभी ये जो अगर मैं सिलेबस को फिर से डिजाइन करूं तो सिलेबस को सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगेन पहला सब्जेक्ट होता है आपका जेई में, पहला मेन सब्जेक्ट वो होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिक के साथ में ही हम लोग अटैच करते हैं नेटवर्क थ्योरी। अब ये पहला सब्जेक्ट जो आपका है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क थ्योरी, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हिंदी में विद्युत अभियांत्रिकी कहते हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन होगा, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, बेसिक समझ क्या है और कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, सबका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन किस तरह का होता है, ये सारा पार्ट इसमें आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपका नेटवर्क थ्योरी का पार्ट स्टार्ट होता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के बाद वही सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, उसी में आप पढ़ते हैं वोल्टेज एंड करंट डिवीजन। ठीक, अब उसके बाद फिर आपका नॉर्मल सर्किट एनालिसिस स्टार्ट होता है, फिर आपका आएगा केवीएल एंड केसीएल, जिसमें मेश मेथड एंड नोडल मेथड। समय बदल गया है, पहले जैसा आप नहीं है, अब इसमें एक चीज और ऐड जाती तो आप पहले नहीं करते थे, यहां पे इंक्लूड हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्स, पहले नहीं हुआ करता। ठीक, नेक्स्ट केवीएल केसीएल के बाद नेटवर्क थ्योरम्स, 10 थ्योरम्स हैं, पहले कुछ कुछ थ्योरम्स थी जैसे कंपनसेशन जो नहीं आती थी, आज के टाइम पर सब आता है, कुछ नहीं कह सकते आप ऐसा जो नहीं पूछा जा सकता। तो कंप्लीट करना है नेटवर्क थ्योरम्स के बाद से, यह 10 थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम के बाद जो आपका क्लास होगा वो होगा टू पोर्ट नेटवर्क का, पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था, अभी रहेगा। टू पोर्ट नेटवर्क के बाद डीसी ट्रांजिएंट, इस बार ये पहले से ज्यादा रहेगा, पहले हम लोग डीसी ट्रांजिएंट बहुत कम करते, अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस ठीक से होगा, बड़े सर्किट्स का भी पढ़ेंगे। डीसी ट्रांजिएंट के बाद नाइन्थ टॉपिक विल बी नेटवर्क सिंथेसिस। अब ये जो टॉपिक है नेटवर्क सिंथेसिस, इसका केवल आपको इंट्रोडक्शन देखना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन इस पे से आया हुआ है। नेटवर्क सिंथेसिस के बाद फिर आप आगे चलते हैं फिल्टर, हम लोग पहले ये भी नहीं करते थे, फिल्टर सभी ऐड होगा। क्लियर, तो ये आपका बेसिक सिलेबस है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क थ्योरी से लिया गया।
एसी सर्किट्स हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में कर लेंगे, ये सीरीज पैरेलल के बाद एसी डीसी दोनों, फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो ये पहले से ज्यादा सिलेबस है आपका जो इस बार इस साल के जेई की क्लास में कवर किया जाएगा। उसके बाद एज यूजुअल नेटवर्क के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत सिंक्रोनस मशीन में डिफरेंस आएगा। आपको डिटेल में सिलिंड्रिकल रोटर और साइलेंट पोल दोनों पढ़ाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पहले नहीं पढ़ाया जाता था, आज के टाइम पे पढ़ाया जाता है। हालांकि फिर से वही एग्जाम में क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, आप डेटा बेस भी पढ़ सकते हैं उसको। इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट होता है एज यूजुअल ट्रांसफॉर्मर से, फिर देन डीसी मशीन, बोथ जनरेटर एंड रोटर, उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाद आपका सिंक्रोनस मशीन, चेंज यहाँ पे होगा, बाकी सब सब्जेक्ट पहले वाले ऑलमोस्ट सेम रहेंगे तो पिछले साल तक चलते थे। सिंक्रोनस मशीन के बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग है जो स्पेशल मशीन आप पढ़ते हैं, ये भी पुराना वाला ही, मशीन के सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पहले कंपोनेंट्स या फिलॉसफी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, मैकेनिकल क्वांटिटीज का, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, कैसे करते हैं, और हमको करना होगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, तो मैकेनिकल वाली फिर सब मेजरमेंट को रिमूव करके केवल इलेक्ट्रिकल को पढ़ा जाएगा। ठीक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पैसिव एलिमेंट के लिए आता है वो आता है ब्रिजेस। ब्रिजेस के बाद पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, फिर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, फिर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ईडी में स्पेशल केस है, ईडी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आप दो तरह के पढ़ेंगे, वाटमीटर, एनर्जी मीटर। नेक्स्ट उसके बाद आपके पढ़ेंगे फिर हम लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, तो फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्लक्स मीटर, मेगर, सब कैटेगरी जो है वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में है। लास्ट वन विल बी ट्रांसड्यूसर। एक्चुअली में ट्रांसड्यूसर लास्ट नहीं है, लास्ट होगा आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें डिजिटल वोल्ट मीटर मेन पढ़ना है। ये आपका चौथा सब्जेक्ट था, सॉरी तीसरा सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का। इसके बाद फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद अगला सब्जेक्ट होगा हमारा, जो चौथा सब्जेक्ट होगा पावर सिस्टम। सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक के नाम भी सेम है, लेकिन कंटेंट इस बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहला आपका इसमें पार्ट है जनरेशन। जनरेशन ऑलमोस्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो पुराना वाला सिलेबस ही है। कुछ लोग अपने कोचिंग में ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं टर्बाइन के बारे में या बॉयलर्स के बारे में, वो सब आज तक कभी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया नहीं,
तो जनरेशन के सिलेबस को हम लोग एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन, ये लगभग पहले जो पढ़ाया जाता था जेई के एग्जाम में, उससे 3 times से काफी ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन, मैकेनिकल डिजाइन में भी और कैटनरी कर्व वगैरह वहां पे पढ़ना है। कुछ कुछ तो बेसिक सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जो लेवल है वो पहले से ज्यादा होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद इसमें ट्रांसमिशन लाइन में ही आपको आगे कवर करना होता है लाइन पैरामीटर्स, उसके बाद वन लाइन डायग्राम। वन लाइन डायग्राम के बेस पे फॉल्ट कैलकुलेशन, ये हम लोग पहले नहीं करते थे, अब करेंगे। फॉल्ट कैलकुलेशन के बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। फॉल्ट कैलकुलेशन हो गया, लोड फ्लो एनालिसिस, ये ऑलमोस्ट ये बीटेक का सिलेबस है, डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग करेंगे। लगभग आप लोग बीटेक कर ही लेंगे इस बार। लोड फ्लो एनालिसिस के बाद आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बाद ये एक्चुअल में बहुत टफ टॉपिक है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया वगैरह मैं कोशिश करूंगा समझाने। रिफ्लेक्शन ऑफ वीआई वेव्स, या केवल इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, वोल्टेज एंड करंट वेव्स, ये पढ़ेंगे आप लोग लॉन्ग लाइन में। ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तीनों का क्लासिफिकेशन यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में ही हो जाता है आगे, उसमें से लॉन्ग लाइन में वीआई वेव्स को स्टडी किया जाता है। आठवां टॉपिक जो आपका होगा इसमें वोल्टेज करंट वेव्स के बाद से, वो होगा पावर फैक्टर करेक्शन एंड वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूवमेंट। ठीक, इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका जो है एक मेन इंट्रोडक्शन टू फैक्स डिवाइस, इसको आप पूरा वो करें तो इट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। कैसे यूज करते हैं हम लोग फैक्स डिवाइसेस को, ठीक। इसमें अभी लास्ट, इसको सेकंड लास्ट माने तो एक टॉपिक और बचता है इसमें, एचवीडीसी लिंक, ठीक। लेकिन ये टॉपिक कॉमन है, एचवी एसी डीसी, एक बीटेक में इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, उसमें एचवीडीसी लिंक कॉमन है। तो इसके साथ साथ इसका भी इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का। ये आपका जनरेशन एंड ट्रांसमिशन हो गया, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बहुत छोटा है, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को ही आप अलग कर लीजिए, पावर सिस्टम में काउंट मत करिए। फिफ्थ सब्जेक्ट होगा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, अगेन फिर वही है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टार्ट बेसिक प्रोटेक्शन से की है, फ्यूज, फ्यूज के बाद रिलेज, जितने टाइप के रिलेज हम लोग करते थे वहां पहले कैलकुलेशन नहीं किया था, प्रूफ नहीं किया था, इस बार कैलकुलेशन और प्रूफ दोनों करेंगे। रिलेज के बाद सर्किट ब्रेकर, ये दोनों बोथ एसी एंड डीसी। सर्किट ब्रेकर के बाद प्रोटेक्शन स्कीम्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम्स कौन कौन सी हो सकती है।
इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ मशीन्स और हाउस होल्ड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। स्विच गियर प्रोटेक्शन, या इसमें अभी आप मान लीजिए 20% एक्स्ट्रा होगा जो पहले पढ़ाया जाता था उस। स्विच गियर प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में अगेन सबसे पहले हीटिंग, दूसरा वेल्डिंग, तीसरा लाइटिंग, उसके बाद फ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये चीज पहले आपको नहीं पढ़ाई गई थी, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। कॉन्स्टेंट पावर ड्राइव, कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव, कौन कौन सी ड्राइव होती और किस मशीन में कैसे बनाते हैं। ठीक, लास्ट में होगा इस यूटिलाइजेशन में इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आपको मेनली पढ़ना है बैटरी। क्लियर है? आप लोग अपना माइक ऑन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसा ज्यादा वर्चुअल नहीं लगेगा। तो पांच सेक्शन के बाद छठवां सेक्शन जो है वो है, तो अच्छा हो गया ना, सेवेंथ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले बस इसमें भी बहुत बड़ा है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोल लीजिए। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डायोड्स, फिर ट्रांजिस्टर। इसमें डायोड्स के साथ साथ डायोड्स एंड डायोड सर्किट्स, जितने भी टाइप के डायोड्स होते हैं उन सबका सर्किट, ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर सर्किट। चौथा होगा आपका बायसिंग, या बायसिंग ट्रांजिस्टर सर्किट में ही आ जाएगा, कितने टाइप की बायसिंग होती है। पहले एम्पलीफायर पढ़ेंगे, जिसमें फीडबैक एम्पलीफायर, नॉर्मल एम्पलीफायर दोनों, फिर ऑसिलेटर सिक्स्थ। ऑसिलेटर के बाद ये जो लास्ट टॉपिक आपका है ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, इतना पढ़ना है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये दो लोग मिलकर के कराएंगे, मेरे साथ में एक टीचर और है, दो लोग मिलकर के आपका सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्ट होता है अगेन बूलियन अलजेब्रा से, बूलियन अलजेब्रा के बाद आपके पास सिक्वेंशियल सर्किट, उसके बाद उसके बाद इनको जो है कंबाइन करने की टेक्निक्स, टेक्निक्स में मेनली पढ़ेंगे आप के मैप। ठीक, के मैप में बूलियन अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर कुछ लोग को पहले पढ़े हो उनको आता भी होगा। तो ये चार पार्ट होगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल वोल्टमीटर हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर उसके बाद ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर,
वहीं पे हो जाता है आपका, आप कहेंगे तो यहाँ पे फिर आपको रिपीट भी कर देंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो आपका 9th सब्जेक्ट है वो है स्पेशल अदर सब्जेक्ट्स, इसको लास्ट में टच किया जाएगा। अभी स्पेशल अदर सब्जेक्ट है कौन कौन से जो हमने मेंशन किए हुए थे शुरू में, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट्स में, ये सारा ये सिलेबस का डिस्कशन हो गया। आज के लिए इतना ही है, कल से आप लोग की क्लास स्टार्ट होगी। मैं अभी लेक्चर आपका यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ। आज पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, लेक्चर 1 से 1.5 घंटे बाद आपको मिलेगा। सर यूट्यूब पे कौन से नाम से है? यूट्यूब पे सर किस नाम से है? ग्रुप में ठीक है, मैं आज की क्लास कवर कर रहा हूँ। कल से सब लोग शायद मेरे ख्याल से ऐड होने लगेंगी, पता चलेगा क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप देख लीजिए इसको, क्लास कंटिन्यू करिए, बेनिफिट है आपका इसमें। क्लास का टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अभी आपका 1.5 घंटे का क्लास होगा तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते, जैसे जैसे स्टूडेंट ऐड होते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ऑनलाइन में रिपीट करने में बहुत प्रॉब्लम है। ये फायदा है कि पीडीएफ आपको और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। सिलेबस में लेके किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, कल से हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस हमने लिखा जरूर इंग्लिश में है, कंटेंट हिंदी में रहेगा। ओके सर, कल से भी सर टाइमिंग यही होगी ना? कल से टाइम रहेगा, बच्चे लोग जैसे ऐड होते हैं उनके अकॉर्डिंग टाइम को फिर चेंज करेंगे बाद। ओके सर, थैंक यू।